सेठ की शिक्षा। एक बहुत धनी सेठ था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहां घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला नहीं तो बोले, सेठ राम राम। ऐसे दो तीन बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मांगता है, इसलिए कहने लगा, हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी लेता। मैं तो भगवान नाम लेता हूँ और ये हट हट कहता है। इन धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा, इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राजे से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है इन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरे रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसे नित्य नियम करता था, वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक लिया। कहाँ जाते हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है, तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है? दरबार ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज दी, आज इसको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसा ही कहने लगे, जिसको पूछे वही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं आने दे रहे। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब क्या करूं? उसकी कहीं चली नहीं जाती तो उसने राजे में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई है। वे सेठ राजे के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है, लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया है और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, चार घोड़ों की बग्घी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा? राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वह, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राजे में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वह, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा ने जाकर कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ चार घोड़ों की बग्घी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुंचे और बोले, अन्नदाता, क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वह बोले, साहब, असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो, जो संत सेठ बने हुए थे बता देंगे। बही मंगाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्च लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्च हुआ। वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है, वह सब कसम मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है, तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया। वहां वही संत बैठे थे। उस सेठ को संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आंखें खुली कि यह सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हरेक का तिरस्कार अपमान मत करो, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वह वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।